गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। आज अगेन मीशो हॉल होने वाला है, मिक्स मैच मीशो हॉल होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ किचन से मिले रिलेटेड चीजें हैं, कुछ होम डेकोरेट की चीजें हैं, इसलिए मैंने इसे मिक्स मैच कह दिया है। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको मीशो के बारे में देना चाहती हूँ। मीशो जो है वो इंडिया का नंबर वन रीसेलिंग ऐप है, जिसे आप घर बैठे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं एंड कुछ पैसे भी अर्न कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मीशो डाउनलोड नहीं किया है तो मेरे दी हुई लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए और आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। एंड अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक तो करिएगा ही करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो बातें यहीं खत्म करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी किचन की चीजें। किचन के लिए मैंने लिया सबसे पहले एक ये चॉपर, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी बॉक्सिंग में आया था, बॉक्स से मैंने निकाल लिया है तो बहुत अच्छा चॉपर है और लगभग 1 वीक हो चुके हैं इसे आए और मैं इसे यूज भी कर चुकी हूँ। काफी अच्छा है। चटनी वगैरह बनाना होता है ना, गर्मियों में हमें सैलेड खाना होता है या आपको टमाटर की चटनी बनाना है चॉप करके, तो काफी अच्छा चॉपर भी है और एक मिक्सर ग्राइंडर का काम करेगा ये, तो काफी अच्छा है ये। इसके अंदर कुछ इस तरीके का ये आता है, तो अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है मेरा वो भी अगेन किचन के लिए है। मैंने लिया है अपने फ्रिज कवर, अपने फ्रिज के लिए कवर मंगवाया है। इसकी पिक मैं यहाँ ऐड कर दूंगी। ये तीन इसमें ही मिलेगी आपको, 1 2 3, हाँ या ये 3 मिलेगी आपको ये शीट, जिससे आप अपने फ्रिज में इस तरीके से उसको बिछा सकते हैं। 3 मिलेगी आपको ये, और काफी अच्छा इसमें फ्लावर डिजाइन भी बना हुआ, काफी नीट क्लीन, बहुत प्यारा तरीके से इसमें डिजाइन बना हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिजाइन है ये। एंड ये ब्लू, हाँ या नेवी ब्लू जो होता है अपना डार्क ब्लू, उस कलर का है ये। एंड इसके साथ आपको मिल जाएगा फ्रिज का जो ऊपर में कवर बिछता है ना, वो कवर मिल जाएगा। मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। यस, ये कवर भी काफी अच्छा है और इसको आप वॉश भी कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा है कि ये वॉशेबल है, खराब नहीं होगा, काफी अच्छा सॉफ्ट वाला कपड़ा आया है और इसमें कुछ पॉकेट वगैरह भी बनाए गए हैं। ये देखिए यहाँ पे पॉकेट भी डले हैं इसमें, ये इस तरीके से ये पॉकेट है, ये कुछ सामान वगैरह आपको डालना है जिसमें तो डाल भी सकते हैं आप, तो बहुत ही अच्छा है, वॉशेबल है ये भी, और इसे आप वॉश भी कर सकते, गंदा वगैरह हो जाए तो आप इसे अच्छे से वॉश करके दोबारा से अगेन इसको बिछा सकते हैं। एंड एक ये आया है इसमें, ये आपके हैंडल के लिए, फ्रिज का जो हैंडल होता है उसके लिए ये कवर है। तो ये था मेरा एक सेकंड फ्रिज कवर। तो आई होप मैं आपको इसके लिए हाईली रिकमेंड करूंगी, अगर आपको ये पसंद आता है तो आप डेफिनेटली आग बंद करके इसे ट्राई कर सकते हैं। जो थर्ड जो है, एक बेडशीट है जिसे मैंने भी अपने बेड पर बिछाई हुई है, कॉटन की बेडशीट है, जिसकी वीडियो में एक क्लिप यहाँ ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं उसे। बहुत ही अच्छी सी बेडशीट है ये, बहुत प्यारी है, ब्राउन कलर की बेडशीट है एंड हाईली रिकमेंड करूंगी ये, और प्योर कॉटन की बेडशीट है, अभी मैंने अपने बेड में बिछाई हुई है। तो अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, और इसे मैंने लगभग 2 से 3 बार वॉश कर चुकी हूँ मैं इस बेडशीट को। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी इस बेडशीट की कि इसे आप मशीन में भी वॉश कर सकते हैं। क्या होता है मोस्टली, क्या होता है बेडशीट अगर हम लेते हैं सब मशीन में वॉश करते हैं तो वो कपड़ा जो है वो काफी रफ टाइप का हो जाता है एंड रुए फेंकने लगता है, बट इसके साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने इसे 3 बार वॉश कर चुकी हूँ अपनी बेडशीट को, ना ही इसका कलर निकला है और ना ही इसने रुए फेंका है। एंड प्योर कॉटन के लिए, कॉटन की है, समर और विंटर के लिए कॉटन की बेडशीट बेस्ट होती है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी अगर आप इस बेडशीट को लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ले सकते हैं। और इसका जो कलर जो है वो एग्जिट कलर आया है, मतलब डार्क ब्राउन कलर दिया गया था, थोड़ा सा लाइट कलर आया है, बट इट्स ओके, काफी अच्छा है ये, ठीक है। अब जो नेस्ट है, नेस्ट मैंने लिया है एक और वॉलपेपर अपने घर के लिए। अभी जो मैं बैठी हूँ इसके ऊपर, जो बैक में मेरी जो वॉल है, इस वॉलपेपर, इसके ऊपर ही वो वॉलपेपर लगा हुआ है, जिसकी क्लिप मैं ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी राधा कृष्ण का ये वॉलपेपर है और इसे मैंने अपने घर में
जब मेरे यहाँ घर में पुताई करवाई थी मैंने, आई थिंक या मैंने दिवाली के टाइम करवाई थी, और उसी टाइम मैंने उसे ऑर्डर किया था, और तब से ही लगा हुआ है इसको। एक क्वालिटी ऑसम क्वालिटी है, एंड हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इस वॉलपेपर को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें अपने घर के लिए। दूर से मैं वैसे कोई हर कोई यही कमेंट करता है कि आपने पेंटिंग कराया है अपने घर में, पेंटिंग है ये, हर कोई यही कमेंट करता है। बट ये पेंटिंग नहीं है, वॉलपेपर है, बट ये एकदम पेंटिंग के जैसा लगता है कि पेंटिंग की है अपन ने, अपने वॉल में जो है पेंटिंग की हुई है, स्केच से जो पेंटिंग होती है ना, परमानेंट पेंटिंग, उस टाइप का वॉलपेपर लगता है। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा वॉलपेपर है, एंड अंडर 200 इसका प्राइस है। सबका प्राइस मैं यहाँ स्क्रीन में मेंशन करते जाऊंगी, आप देख सकते हैं। मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, अगर आपने इस वॉलपेपर को ट्राई करना चाहते हैं अपने घर के लिए तो डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा राधा कृष्ण का ये वॉलपेपर है। एंड इस हॉल का मेरा ये का एक आखिरी और लास्ट प्रोडक्ट जो है वो है ये हेयर ऑयल। यस, ये हेयर ऑयल है, ये मेरी सेकेंड बॉटल है, सेकेंड परचेसिंग है, जिसकी हालत आप देख सकते हैं मैं इसे यूज करती हूँ। अगर आपको हेयर फॉल की कोई प्रॉब्लम है, या हेयर आपके काफ़ी झड़ रहे हैं, या काफ़ी आपकी जो ग्रोथ जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है, तो डेफिनेटली आप इस ऑयल को ट्राई कर सकते हैं। मैं दूसरी बॉटल है मेरी, काफ़ी टाइम से मैं इसे ट्राई कर रही हूँ। इसकी जो खुशबू जो है वो ओनियन की, जो प्याज की जो खुशबू होती है ना, उस टाइप की है, थोड़ी सी हार्ट है, लेकिन अगर आपको हार्ट स्मेल से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑयल है ये, एंड ये आपके ग्रोथ में, आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकता है ये आपके हेयर फॉल को, सॉरी। एंड इसमें जो है ये ओनियन वाला जो हेयर ऑयल आता है ना, ये ओनियन वाला है, प्रीमियम ओनियन हेयर ऑयल है हार्बल का। तो मैं इसके लिए भी आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं और उसको आपको कंट्रोल करना है तो आप डेफिनेटली ये वाला ऑयल ट्राई कर सकते हैं। ये था मेरा आज का मीशो हॉल। आई होप आपको इसमें से कुछ भी प्रोडक्ट पसंद आए होंगे, तो आप इसका सबका कोड मैं आपको डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से इन सबके कोड आपको मिल जाएंगे। अगर आपको बाय करना है, कुछ भी बाय करना है इनमें से, तो आप वहां से डेफिनेटली इसे बाय कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये मेरा हॉल वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। एंड मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए भी जाइएगा। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है सुरभि ऑफिशियल सूवी, जिसकी लिंक भी मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड ढेर सारा अपना प्यार दीजिएगा, एंड मेरे वीडियो को ढेर सारा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू गाइज़।